सोचते हम ज्यादा हैं लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। गोरखपुर के लोगों और हमारे तमाम नौजवान साथियों, किसान भाइयों, माताओं बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। इन्होंने सब संस्थाओं से खिलवाड़ की है। जिस पैसे से हम आपकी मदद कर सकते थे, जिस पैसे से हमारा किसान खुशहाल हो जाता, जिस पैसे से नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाती, वो पैसा तमाम उद्योगपति लेकर के भारत छोड़ करके चले गए। जो हमारा आपका पैसा जमा था, सब का सब लेकर के बाहर चले गए। और वहीं आज जो कर्ज है, पिछले 5 साल में भारत पर कर्ज दुगना हो गया है। पहले अगर 35 लाख करोड़ था तो आज लगभग 70 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री सपना दिखा सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे, ट्रेन लेकर के आएंगे। बताओ वो है कहां पर जो लेकर के आओगे? बताओ पत्रकार साथियों, कहा था कि नहीं कहा था? और बड़ी सड़क जा रही है, आगरा लखनऊ वाली जैसी सड़क बनकर के जा रही है। हमने कहा कि अपना शहर तो कम से कम जोड़ लेते, बजट में दिया है कुछ पैसा, पता नहीं जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि अगर लखनऊ जाने का रास्ता उधर से निकल रहा है आपके 50 किलोमीटर आगे से और कमी होगा, तो हम चाहते हैं कि उस सड़क से आपको भी गोरखपुर को जोड़ दिया जाए। और अगर बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं जोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी जब मौका मिलेगी तब उस सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से विकास पहले किया था उसी तरीके से हम विकास करने का काम करेंगे आपका। अभी हमने सुना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे विकास हम करेंगे और प्रत्याशी मनोरंजन करेंगे। क्यों बताओ पत्रकार साथी, ऐसे ही कुछ कहा था? हमें सही कर दो, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताओ। ये बात तो उल्टी है। हम कहते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी आप मनोरंजन करो और हमारे राम बुआल जी विकास करेंगे।